हाय गाइस, दिस इज निबम बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग आए हुए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी, जैसा कि आप देख सकते हो, और इधर भी देख सकते हो, ये देखो, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ की जगह है ये। यहाँ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ है, और अभी हम लोग दिखाते हैं आपको आगे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सो व्लॉग बिना स्किप करे पूरा देखना। सो मिलते हैं आपको। अभी हम लोग ये खाने हुए आए हुए हैं यहाँ मेट्रो स्टेशन पे। बहुत भूख लग रही थी हमें, ये रही भुक्कड़ सबसे ज्यादा बड़ी वाली, इससे रुका भी नहीं गया। आज हम लोग ओखला बर्ड सेंचुरी आए हुए हैं। ये देखो शेरा पूरा ओखला बर्ड सेंचुरी। तो आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा कैसा है। और आज ये तीन बंदर भी मेरे साथ आए हैं। से हाय दीप्ति। किससे बात कर रही है समझ जाओ। ये इसका अंदर से व्यू। अभी अंदर से व्यू चल के दिखाते हैं क्या है कैसा है। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है इसका। अभी अंदर चलते हैं और अंदर से भी इसका व्यू दिखाते हैं कैसा है। अभी चलते हैं आगे आगे। देखो कितना मतलब अच्छा अच्छा बैठने का भी बना रखा है यहाँ। तो कोमल बताइए, यहाँ कोमल पहले आ रखी है। कोमल क्या क्या है यहाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ पूरा अभी बताएंगे नहीं, वो देखो व्लॉग में पता लग जाएगा। आगे सस्पेंस है। निब्बी भी आई है। देखो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बैठने की जगह है। ये ज्यादा मतलब ये पार्क कपल्स के लिए है। हम कपल्स नहीं है, लेकिन कोई भी कपल्स नहीं है हमें से। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो बात तो ये ऐसी बोलती रहती है, पागल है। जबरदस्ती जबरदस्ती कुछ भी कुछ भी। चलते हैं आप आगे, दिखाते हैं आपको क्या क्या है। इसको ओवर एक्टिंग के 10 रुपए देंगे। कोमल दे 10 रुपए दे इसे। निब्बी को 10 रुपए दे दो ओवर एक्टिंग के। ये व्लॉग ना तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे, फैमिली भी आती है। देखो झाड़ियों में क्या करने गई है। घूमते हैं हम लोग यहाँ और पूरा एक्सप्लोर करते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी को। भाई बहुत ही अश्लील लोग हैं यहाँ, अश्लीलता फैला रहे हैं। ये सबसे बड़ी अश्लील ये है। गौर से देखिए इस चेहरे को, सबसे बड़ी अश्लील है बेटा। ये व्लॉग ना तेरे घर वाले देखेंगे, सोच क्या सोचेंगे तेरे बारे में। ये बहुत अच्छी जगह है, अगर किसी को नेचर से प्यार है तो यहाँ आओ भाई, इतनी औसम जगह है। ये देखो, अगर आपको नेचर से प्यार है तो सच्ची में आओ, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। इनकी तो चलती रहेगी यार, इनका कुछ नहीं हो सकता। आवाज सुन रहे हो, ये जो पीछे से आ रही है देखो, ये रिवर से नहीं आ रही, ये इन तारों में से आ रही है। सो इसमें सोच सकते हो कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive. अभी हमें यहाँ 1 घंटा हो गया, अभी हमने कुछ शूट नहीं किया, बस फोटोज ही खिंचवा रहे हैं। और फोटोज मेरे इंस्टाग्राम पे आएगी, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना। इसके में इसको भी फॉलो वॉलो कर दो यार, बता दे यूजर नेम, बता दे जल्दी। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ना, चलना इतनी वो नहीं है, डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम डालूंगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी तो बहुत बड़ा है ये पार्क ओखला बर्ड सेंचुरी, तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। अब दीप्ति कुछ कहेगी, दीप्ति बोल। मेरे को यहाँ पे ये अच्छा लगा कि यहाँ का व्यू तो बहुत ही बेस्ट है। लाइक जिनको नेचर पसंद है, जिनको थोड़ा पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड, यहाँ वो ले सकता है। आजकल की लाइफ में पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा। हाँ वैसे नेचर जिसको अच्छा लगता है उसके लिए तो बहुत बेस्ट। यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, मतलब क्यों बहुत सारी फैमिलीज भी पीछे बैठी हुई थी, मतलब पिकनिक विकनिक टाइप का अगर आपको करना हो तो यहाँ आके कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह है, जस्ट लाइक अस। वो पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपना अपने अपने लवर्स प्रेमियों के साथ भी आप आ सकते हो, प्राइवेसी भी है। एंड दोस हु आर
looking about those who are about to get married and looking for a pre-wedding shoot, आप यहाँ पे आ सकते हो. बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी फोटोज आएंगी. यहाँ के माइंड तो लिटरली रिफ्रेश हो ही रहा है. देखो वो रहा पेकॉक, चला गया नीचे, चला गया वो, चला गया. बैड लक गाइस. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम गाइस. तो आगे खूब एंजॉय कर रहे हैं, कर रहे हो ना एंजॉय? आ रहा है वो भाई अलग ही, पता नहीं कहाँ खोई पड़ी है पीछे वाली वो असली लौंडिया. अगर किसी को फोटो शूट के लिए आना हो ना तो ये जगह बेस्ट है यार. ये लोग मेरे तो फोटो खींच नहीं रहे और इनको फोटो शूट की अकल दे रहा है. नहीं भाई खींची है इसके, इंस्टाग्राम पे जाके चेक करना. बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली, इसके इंस्टाग्राम पे जाके चेक करना. और हमने रील्स भी बनाई है, बहुत सारी रील्स भी आएंगी. आएंगी ना कोमल नहीं आएगी बस. चलते आगे, लेकिन यहाँ हमें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं दिखा अभी. एक पिकॉक दिखा था, वो भी भाग गया. कुछ दिखा तेरे को अभी? नोप्स, पर वो लेक अच्छी लग रही है. हाँ ये लेक नहीं है, ये अमना रिवर है. नॉट वर्ड है वो. सो ये पीछे हमारे यमुना रिवर है पूरी. इसको तो अच्छा, इसको कुछ नहीं पता. I was topper in our school. और ओके तेरी क्लास में थी. Who the hell is topper? I am the topper bro. हाँ बस नेम ही नेम लिखे हुए हैं, कुछ दिख तो रहा नहीं है मेरे को अभी तक, कुछ नहीं दिखा सही में गाइस. तो इनका पता नहीं, अलग ही चल रहा है. तो ये देखो हम एक व्यू पॉइंट पे आए हैं, चलते हैं अंदर. यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं. सो ये देखो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है. ये शुभम, ये दीप्ति, मेरी चिमकांडी. बस ज़्यादा मत इतरा. यहाँ सारे व्यू पॉइंट्स ही हैं, यहाँ मैं इतना कुछ तो खास दिखानी. देखो यहाँ सारे व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन व्यू पॉइंट्स अच्छे अच्छे हैं. फोटो शूट के लिए बेस्ट जगह है ये. सो अभी हम जा रहे हैं. और यहाँ मतलब डक्स वक्स भी हैं बहुत सारी. वो देखो उधर उधर बैठी हुई हैं वो, और कुछ पक्षी उड़ रहे हैं उधर. सो अब चलते हैं आगे, पीछे की तरफ चलते हैं. आगे वो ही है, ज़्यादा फोटो शूट्स की जगह है. ये सारे अपना फोटो शूट करा के बैठ रखे हैं. अब हम लोग जा रहे हैं, हम घर वापस जा रहे हैं. हमने पूरा घूम लिया, हमने बहुत इंजॉय करेंगे. फिर पार्टी होगी हमारी. अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी पार्टी वार्टी भी करेंगे, खाएंगे. भूख लग रही है, हाँ प्यासे मर रहे हैं. बस यहाँ फोटो शूट के लिए है, थोड़ी बहुत पंक्तियाँ करने के लिए ब्लॉग बना. इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, साथ में लाओ अपने साथ एक्स्ट्रा पानी की बोतल लेकर आना. ओ शिट. और जो भूखा हो, जिसको ज्यादा भूख लगती है, वो अपने डब्बा उठा लाना. सच अ नाइस प्लेस फॉर पिकनिक एज़ वेल. यहाँ में कुछ वाइल्ड लाइफ का तो कुछ दिखानी. और यहाँ हाँ 30 rupees एंट्री फीस भी है अंदर की. सारे जो ये कुछ बोलना चाह रही है, सारी जो यहाँ बैठने वाली बेंच होती है वहाँ आके की फील ले रहा है. सुन लो सारी दुनिया वाले, यहाँ पे आके सोना मत. आजा तुझे लेके चलो फिर चार. तो यहाँ आके हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं. और इन सब की पागलपंती तो देख ही रहे होगे आप. पर पानी लाना मत भूलना प्लीज. ये हमने बहुत करी है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत कम है. ये हमने बहुत करी है. और प्लीज पानी लाना मत भूलना. और पिकनिक वगैरह जरूर, पिकनिक करने की जगह है. स्नैक्स अपना कैरी करके चलना. यहाँ से कुछ, यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता. चटाई वटाई सब लेके आना. अपनी स्कूटी भी ला सकते हो. हाँ सनस्क्रीन लगा कर आना धूप. स्कूटी की एंट्री नहीं है, पागल है कुछ भी बोलती है. बट यहाँ आपको ई रिक्शा मिल जाएगा. वो 20 rupees चार्ज करता है पर पर्सन, पूरा घुमाता है. मतलब 30 rupees आप यहाँ दो, बट रिक्शे से जाने का कोई फायदा नहीं है. पैदल ही जाओ हमारी तरह. यू कैन डायरेक्टली रीच देयर फ्रॉम मेट्रो एज वेल. रीच देयर सेक्टर 95 में ही है, ऑपोजिट ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन. और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी ओखला बर्ड सेंचुरी है. हमने निबम का कैमरा चोरी किया है, उसे पता नहीं है. वो अभी फोटोज क्लिक कर रहे हैं अपने फोन से. और हम लोग तो दिखाते हैं, चोरी छुपे कर रहे हैं. हम आपको चोरी का बढ़ावा नहीं दे रहे गाइस, प्लीज प्लीज चोरी नहीं करना है किसी को. बस हम कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं, वो हमारा दोस्त है. प्लीज गाइस तुम लोग भी नहीं करना अपने दोस्त के साथ. बिल्कुल भी मत करना प्लीज. क्या सिंस हम दोनों बहुत प्यासे हैं, हमारे अंदर से ऐसी चीज निकल रही है.
अरे कहना क्या चाहते हो? कोई पानी पिलाओ हमें, हम नॉर्मल हो जाए। डिहाइड्रेट होने की वजह से हमारा दिमाग डिहाइड्रेशन होने की वजह से। और ये भी दीपम भी आ गया हमारे साथ। ये कहते फैमिली। हाँ फिर कह रहे फैमिली फैमिली। तो शुभम ने मेरा कैमरा चुरा लिया है और ये खुद ही ब्लॉग कर रहा है, मेरा पेज नहीं है, लेकिन साथ दे रहे हैं। पीछे निब्बी भी आ रही है। ये निब्बी है, ये निब्बा है और हम लोग घूम रहे हैं। मस्ती बहुत हो गई। अब मैं सीरियसली बता देता हूँ, यहाँ आपको 30 रुपीज़ का टिकट है यहाँ का, और 20 रुपीज़ जो लगेंगे अगर आप ई रिक्शा से पूरा पीछे तक घूमना चाहते हो। बहुत लंबा है ये और यहाँ पूरा, बट मेरी मानो तो ई रिक्शे से मत जाओ, पैदल जाओ और पूरा ये व्यूज़ इंजॉय करो। और DSLR यहाँ लाना मत भूलना, बहुत कैंट फ़ोटो आती है, बहुत तगड़ी फ़ोटो आती है। हमारी भी, हमने भी बहुत सारी खींची है, वो आपको अगेन बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। सो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, आप आके बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो यहाँ। बस अगर फोटो खिंचवानी है आपको तो, वरना तो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, है ना। और ये भी एक व्यू पॉइंट है, देखो कितना ऑसम है ये, देखो। सो एक बोट सी बना रखी है, उसके अंदर ये व्यू पॉइंट है, देखो पूरी यमुना जी दिख रही है। और इसमें 5 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये हम लोग बाहर आ गए हैं और मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, यहाँ सोलर पैनल लगा रखे हैं, देखो। अब चलते हैं बाहर, बाय। आज का व्लॉग, ये जो ये वाला व्लॉग है, ये यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, डू सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और बेल आइकन पे हिट कर देना जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।